नमस्कार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है मैं सुरेश मनचंदा कम्योडिटी जगत की ताजो खबरों के साथ क्या घटा क्या बड़ा और साथ ही दिन की शुरुआत किस तरह से होगी बाजार कैसे खुलेंगे ये सब हम आपको बताएंगे अगले 45 मिनटों में और साथ ही ये भी बताएंगे कि आज कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसमें निवेश करके आप कमा सकते हैं पैसा ही पैसा और कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसमें बिकवाली की है अपॉर्चुनिटी है सब हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको अंतरराष्ट्रीय बाजारों का हाल बता दें क्योंकि इस समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक बार फिर से हम तेजी का रुझान देख रहे हैं कल जो तेजी हमने बाजारों के अंदर आई हुई देखी उसके बाद अभी भी यहां पर बाजारों के अंदर तेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस समय पर सोना तेरे डॉलर के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है और वहीं चांदी की अगर बात की जाए तो चांदी डॉलर 60 सेंट पर कारोबार की की तो करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और इसी के साथ ही अगर बेस मेटल पर एक निगाह डाल ली जाए तो बेस मेटल्स में भी यहां पर हम तेजी ही आते हुए देख रहे हैं कॉपर यहां पर मामूली सी बढ़त लिए हुए यहां पर बंद हुआ

28 महीनों के हाई को यहां पर इसने कॉपर ने टच किया और उसके बाद मामूली सी यहां पर गिरावट आते हुए फिलहाल है, है, क्लोजिंग क्लोजिंग है। तकरीबन तकरीबन इसमें दशमलव एक पांच फीसद के आसपास की यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है कॉपर में वहीं अगर लेट की बात की जाए तो लेट भी यहां पर इसी फॉर्म के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आया यहां पर पहले अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला उसके बाद मामूली सी नीचे और फिर ऊपर एक वी बनाया है इसने यहाँ पर वी बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पर लेड में आते हुए देखी लेकिन अभी भी यहाँ पर मजबूती लगातार बनी हुई है वहीं निकल की बात की जाए निकल में थोड़ी सी शार्प डेक्लाइन हमने देखी है वी बनने के बाद एक तरफा यहाँ नीचे की तरफ हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी लेकिन कल की क्लोजिंग से अभी भी निकल भी ऊपर बना हुआ है और जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक भी यहां पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है जिंक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है यहां पर जिंक का आप चार्ट देख सकते हैं कि सुबह बाजार खुलते ही दो फीसद से ज्यादा की तेजी और उसके बाद मामूली सी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर दिखाई दी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर यानी इस समय पर भी हम जिंक को पौने दो फीसद के ऊपर कारोबार करते हुए देख रहे हैं पौने दो फीसद की से भी ज्यादा की यहां पर मजबूती दिखाई दे रही है जिंक के कारोबार में और Community बाजार पर बातचीत करने के लिए इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रूपा मेहता जो कि सीनियर एनालिस्ट वेल इंडिया से रूपा स्वागत है आपका रूपा सबसे पहले बात यहां पर मैं आज बेस मेटल की करना चाहूंगा और सोने और चांदी की करना चाहूंगा क्योंकि कल हमने यहां पर एक तरफा रैली आते हुए देखी लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा सुस्त कारोबार नजर आया इस समय पर जब एशियाई बाजार खुले काफी तेज यहां पर बढ़त देखने को मिली उसके बाद थोड़ी सी मामूली हमने इसमें डकलाइन आते हुए देखी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर दिखाई दी है कॉपर में क्या लगता है आपको देखिए कॉपर में जिस तरह से हमने कल देखा इसने तीन सौ रुपए अपने एक बड़ा स्पोर्टिव लेवल है जिसको इसने क्रॉस कर लिया है उसके चलते यही लगता है कि कोपर में अभी ऊपर उप, ऊपर में जो है और मूवमेंट देखने को मिल सकती है मुझे लगता है कि अपसाइड में थ्री का लेवल जो है एक बार कॉपर में हमें देखने को मिल सकता है 385 का लेवल कॉपर में यहां पर ऊपर में देखने को मिल सकता है तीन सौ पिछासी रूपए के स्तर के लिए किन लेवल्स के ऊपर जाकर के बाइंग करनी चाहिए रूपा देखिए मुझे लगता है है कॉपर में 378 के आसपास जो है, एक बार फिर खरीदारी करके चला जा सकता है थ्री सेवन एट के आसपास में अगर आपको स्तर मिलते हैं तो वहां पर रुपए के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है और वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं पवन है इस समय पर हमारे साथ फोनलाइन पर पवन जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में बताएं लगता है पवन जी से संपर्क टूट गया है बहरहाल रूपा से जान लेते हैं रूपा यहाँ पर जिंक में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको नजर में आती हैं क्योंकि जिंक हमने कल भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर पौने दो फीसद के आसपास ढाई फीसद के आसपास बढ़त आते हुए देखी उसके बाद अभी मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में भी ये काफी बुलिश यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है दो के आसपास की यहाँ पर जिंक में एक बार फिर से हम इसमें मजबूती देख रहे हैं अभी ओवरऑल सेंटिमेंट क्या कहते हैं लगातार हमने यहां पर जिंक के अंदर बाउंस आते हुए देखे करते हुए नजर आ रहा है एक अच्छी खासी बढ़त के कारोबारियॉर्ट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है एक हजार रुपए के लेवल्स क्या जिंक में दिखाई देंगे क्योंकि कल हमने एक रुपए के स्तर के बाद इसमें थोड़ी सी फिसलन आते हुए देखी मामूली सा फिसला और उसके बाद आज एशियाई बाजार फिर से बढ़त के साथ कारोबार करते हुए देखिए मुझे लगता है कि जिंक में भी अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसमें आ, हर डिप पर बाइंग करके चला जा सकता है वही अगर हम जिंक की बात करें तो एक सौ बारह रूपए के बीच में इसमें अभी भी खरीदारी करके चला जा सकता है और मुझे लगता है कि ऊपर में एक सौ तक का लेवल देखने को मिल सकता है और रामानंद जी हैं सिरसा हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर रामानंद जी स्वागत है आप न्यूज में बताएं नमस्कार जी जी नमस्कार दिवाली की मुबारक बात आपको एडवांस ही दे देता हूँ जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं मनचंदा जी ये अल्मोनियम में क्या किया जाए अल्मोनियम में पांच रुपए सत्तर पैसे पे बाइंग में है जी और ऊपर जो है सेल किए बैठे हैं एक अस्सी रुपए में कॉपर सेल किया है आपने किस भाव पर इक्यासी रुपए इक्यासी रुपए पर और वहाँ पर आपने जो Aluminium है aluminium के अंदर आप में वसूली यहां पर दी। और इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का अगर एक बार हाल देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का चार्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एल्यूमिनियम मामूली बढ़त के साथ कारोबार करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर नजर आ रहा है ये आपकी कल की क्लोजिंग है क्लोजिंग के बाद यहाँ पर तकरीबन तकरीबन एक फीसद का हमने उछाल आते हुए देखा और उसके बाद मामूली सी मुनाफा वसूली यहां पर दशमलव सात शून्य फीसद की अभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर हम तेजी देख रहे हैं यानी कल जो हमने प्राइजेस क्लोज होते हुए देखे एक तो रुपए के आसपास में आज एक बार फिर से क्या रुपया यहां पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है एक तो रुपए पैसे का इनका सौदा है वहीं चाइना ने छियानवे हजार मीट्रिक टन एल्यूमिनियम सेल करने की जो बात की है अपने रिजर्व्स को लिक्विडेट करने की जो बात कही है उसको देखते हुए क्या लगता है देखिए मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एक या डेढ़ रुपए का जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वहीं अगर हम बात करें जिंक एल्युमिनियम में तो एक सौ दो रुपए पचास पैसे तक जो है नीचे का लेवल एक बार आ सकता है टच कर सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वही अगर हम एल्युमिनियम की खरीदारी की बात करें तो मुझे लगता है एक सौ तीन रूपये केस पास जो है इसमें अभी भी खरीदारी करके चला जा सकता है पाँच रुपए सत्तर पैसे का सौदा है रुपया क्या करना चाहिए देखिए इनको अभी होल्ड करना चाहिए और मुझे लगता है एक सौ छह रुपए तक का लेवल जो है मार्केट में अभी देखने को मिल सकता है एक सौ छह रुपए तक स्तर आज हो सकता है कि आपको आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर दिखाई दे आपको बने रहना चाहिए यहां पर रमानंद जी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार यहां पर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं और जैसे ही भारतीय बाजार खुलेंगे बढ़त ही यहां यहां पर पर देखने को मिलेगी एक बार पर हम 105 के ऊपर बाजार को खुलते हुए देख सकते हैं जिस हिसाब से कल बाजारों के अंदर भी हमने रैली आते हुए देखी और इस समय पर भी हम जो बाजारों के अंदर रैली देख रहे हैं उसको देखते हुए यहां पर बढ़त एक बार फिर से दिखाई दे सकती है और यहां पर बने रहने की आपको सलाह है और रूपा जिस तरह से कल हमने यहाँ पर काफी डाउनफॉल देखा क्योंकि लगातार हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हुए देखा था एल्यूमिनियम के अंदर लेकिन चाइना की जैसे ही खबर आई कि छियानवे हजार मीट्रिक टन वो अपने रिजर्व्स को लिक्विडेट करेगा उसके बाद तुरंत हमने डाउनफॉल देखा ऊपरी लेवल से अल्यूमिनियम नीचे की तरफ लुटका है बाकी सभी में पैक जो है काफी अच्छी बुलिश नजर यहाँ आए हैं एक सौ पैसे की कल की क्लोजिंग है और जिस तरह से एक सौ पैसे एक सौ का स्तर है यानी कि तकरीबन तकरीबन एक 70 पैसे के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है एक सौ पर पहुंचने के लिए आज और कल में कितनी कितनी आप यहां पर तेजी देखते हैं देखिए मुझे जिस तरह से चाइना आई थी उसके चलते हमने कल बेस मेटल में स्पेशली अल्यूमिनियम में हमने डाउनफॉल देखा मुझे नहीं लगता अब ये यहां से ज्यादा रह सकता है और इन लेवल्स पर अभी भी खरीदारी करके चला जा सकता है अल्यूमिनियम में निचले स्तरों पर अभी भी खरीदारी करके चला जाया जा के ऊपर तो हमने लेड को भी यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखा और उसके बाद अभी फिलहाल क्या लगता है क्या लेड यहाँ पर और अच्छी स्ट्रेंथ लेगा क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाइंग की बनती हुई नजर आती है या थोड़ा सा इंतजार आ, फायदे का सौदा हो सकता है क्योंकि इस समय पर अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तो की, की जा सकती है और जैसे की टेक्निकलीसौ चौदह रूपये का लेवल जो है काफी अच्छा है अगर ये उसको ब्रेक करता है तो लैंड में भी हम आने वाले समय में एक अच्छी मजबूती देख सकते हैं जी सुमित है औरंगाबाद से हमारे साथ लाइन पर सुमित जी स्वागत है आपका न्यूज में बताए हेलो जी सुमित तो जी सुमित जी आपसे निवेदन है आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें ताकि आपको हमें बात करने में आसानी हो हेलो सर जी सुमित जी सुमित जी बताएं लगता है सुमित जी से हमारा संपर्क टूट गया है औरंगाबाद से उन्होंने फोन किया था और अगर आप भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप फोन कर सकते हैं हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर बने हुए हैं शून्य एक एक छ दो तीन एक शून्य नौ तीन नौ चार और एक शून्य 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 पर आप हमें फोन कर सकते हैं वक्त तो चला यहां पर एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद लौटेंगे सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी है साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार के अंदर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें निवेश किया जा सकता है